हेलो एवरी वन एंड वेरी वो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज एज़ यू ऑल नो नबार्ट ग्रेड ए एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी ऑन द डोर्स है तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं एम सी क्यू कोर्स हमारा चल रहा है उसके बारे में आप जानते हो नॉन वीडियो कोर्स है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेन के साथ उसके अंदर दो हज़ार से ऊपर एम सी क्यूज़ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है सो so, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर है ठीक है अभी तो एक डिस्काउंट भी चल रहा है उसके ऊपर आप अर्ली थर्टी अगर कोड यूज़ करते हो और राइट एंड ऑल्सो वाइज उसके लिए एक फ्री टेस्ट भी हमने बनाया है जो आप पहले अटेम्प्ट करके देख सकते हो ताकि आपको एक क्वालिटी का आइडिया लग जाए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ओके okay, एंड इंपॉटेंट टॉपिक्स यूट्यूब के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसमें से भी एम सी क्यूज उस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे ठीक है तो क्विक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो डाटा हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो आ, इस तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हों जो आज हमने अभी इस लेक्चर में डिस्कस करना है जो जिस है बेटा बेसिकली सॉयल कंडीशंस जो न्यूट्रियस की डिफिशेंसी को इनक्रेज करती हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ठीक है तो क्यों वो डेफिशिएंसी सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलती है न्यूट्रिएंट्स की तो कहीं कभी ना कभी कई बार सॉइल खुद एक रीजन बन जाता है सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज एक ऐसा रीजन बन जाती है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपको डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है पीडीएफ इनकी आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है ठीक है और कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कर सकते हो आप मेल कर सकते हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो यहाँ पर आपको गिवन है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो अगर किसी को लगता है कि वो कोर्स परचेज करना चाहता है लेकिन उसको अफोर्डेबल नहीं है वो पे नहीं कर सकता तो आपको अपनी जो बात है इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी है तो उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन जो है वो निकाला जाएगा बहुत से बच्चों को हमने दस रुपये पंद्रह रुपये में भी कोर्स जो है वो दिया है अगर आप पे नहीं कर सकते हो ठीक है और इसके अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर मैं क्या कैसे प्रूफ करूँगी मैं पे नहीं कर सकता तो बेटा ये हम माउथ ऑफ योर वर्ड पर बिलीव करते हैं अगर आपने कह दिया कि आप नहीं परचेज़ कर सकते तो नहीं कर सकते ठीक है उसके ऊपर फिर कोई सवाल या जवाब उठता नहीं है कि क्यों नहीं पे कर सकते या नहीं कर सकते तो उसके अंदर थोड़ा सा आप अपने साथ भी ट्रुथफुल रहें और हमारे साथ भी ट्रुथफुल रहने की कोशिश जो है वो करें ठीक है चलिए लेटेस्ट प्रोसीड अहेड नाउ गाइस एंड शुरू करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन डेफिशियंसी के अंदर बेसिकली आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ दैट विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द सॉइल लीड्स टू नाइट्रोजन डेफिशियंसी ठीक है जी कि इनमें से किस कंडीशन की वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डेफिशियंसी देखी जाती है इनमें से किस कंडीशन की वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी देखी जाती है अब फॉर एग्जांपल ये तीन रीजंस है सबसे पहले तो अगर हैवी रेनफॉल की वजह से या अनकंट्रोल्ड इरिगेशन की वजह से आपके सॉइल के अंदर जो लीचिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो नाइट्रोजन जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के थ्रू लीच आउट हो जाएंगे बह जाएंगे लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत कम है और अगर आप क्रॉप रेजिड्यू को टाइम एंड अगेन बर्न कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल वो इस क्वेश्चन को ऑप्शन दे देगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और डी में वो आपको बोल देगा ऑल ऑफ द अबव ठीक है और अगर उसको पाँच ऑप्शन बनाने हुए तो पाँचवे में आपको बोल देगा नन ऑफ द अबव ओके सो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन सकते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में उसके बाद फास्फोरस की डेफिशिएंसी की बात करें अगर सॉइल एसिडिक है तो आपको फास्फोरस की डेफिशिएंसी उसके अंदर देखने को मिलेगी अगर आपका सॉइल जो वो कलसेरियस है वो कैल्सिवियस है कैल्सवियस सॉइल्स बेसिकली कौन से सॉइल्स होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सी ए सी ओ थ्री का अबंडेंस में आपको देखने को मिलता है अगेन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन कंडीशंस के अंदर सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है ठीक है अब जैसे दूसरी चीज यहाँ पर ये यह भी पूछ सकता है एक और इंपॉर्टेंट नॉलेज जो जो यहाँ पर आपको मिल रही है या इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है वो ये है कि कैल्शीरियस सॉइल्स क्या होते हैं कैल्शीरियस सॉइल्स वो होते हैं जिसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की उसके बाद पोटेशियम के ऊपर आ जाओ पोटेशियम बेटा कहाँ पे किन सॉइल्स के अंदर कम मिलता है जहां पर आपके सॉइल जो है सैंडी हो ठीक है ऑर्गेनिक सॉइल हो गए रीलीच्ड हैं सॉइल्स यानी कि लीचिंग की प्रॉब्लम हो रही है हैवी रेनफॉल या हैवी इरिगेशन की वजह से या जहाँ पर सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है और जहाँ पर इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है आप इंटेंसिव क्रॉपिंग को तो यूज़ कर रहे हो इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या होती है जहाँ पर आप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साल में ग्रो कर रहे हो कंटिन्यूसली कल्चर के लिए लैंड को यूज़ कर रहे हो तो उस केस में हम बोलते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम अब आप इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम तो कर रहे हो लेकिन उसके अंदर फर्टिलाइजर्स की एडिशन नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी होते हुए सॉइल में दिखेगी कैल्शियम के ऊपर आ जाओ बेटा कैल्शियम अगर आपका एसिडिक uh, एल्कलाई या सोडिक सॉइल्स हैं उस केस में आपका कैल्शियम का डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल सकता है चाहे एसिडिक है या ओवर एल्कलिनिटी है या सोडिक सॉइल्स हैं अब सोडिक सॉइल्स का क्या मतलब होता है या सोडिसिटी क्या होता है सोडिसिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है आपके सॉइल के अंदर ना सोडियम आयन्स का जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एज़ कंपेयर टू बाकी के कैटायंस अब देखो सोडियम सॉल्ट तो लीच हो जाएंगे सॉइल से ठीक है पानी के जरिए लेकिन सोडियम वहीं पर रह जाएगा ये जो आयन हैं ये सॉइल के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि ये जो सॉइल के क्ले पार्टिकल्स हैं उसके साथ चिपक जाएगा उसके साथ इट विल बाउंड एंड उससे क्या होगा ये बाकी के कैटायंस को डिस्प्लेस कर देगा ओके एंड सॉइल्स को ऑफन कंसीडर किया जाता है सोडिक अगर जो ये सोडियम आयन्स हैं ये सॉइल के स्ट्रक्चर को अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो कर दें कैल्शियम के बाद नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम मैग्नीशियम के अंदर भी सिमिलर टू कैल्शियम जो है सब कुछ रहता है जो डेफिशिएंसी को एनकरेज करता है मैग्नीशियम की ठीक है तो सेम पॉइंट्स से। हैं सल्फर के अंदर अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम है अगर आप ऐसे फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन और फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो जिनके अंदर किस बिल्कुल भी सल्फर की मात्रा नहीं है और क्रॉप रेजिड्यू की बर्निंग से भी सल्फर की डेफिशिएंसी जो है वो प्रमोट होती है आयरन की बात करें तो आयरन जो आपके कैलशीरियस और सिल्ट कैल्शीरियस सिल्ट और क्लेई सॉइल्स होते हैं अगर वहाँ पर आपको आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी अगर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हाई है तो आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी देख रहे हो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशियंसी हो रही है अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है और किसी दूसरे पर्टिकुलर न्यूट्रिएट की नाइट्रोजन में डेफिशंसी हो रही थी क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम है और वहीं आयरन के अंदर जो है डेफिशियंसी हो रही है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड कैल्सियरियस सॉइल्स के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी बेटा जहां पर हाईली लिस्ट एसिडिक सॉइल्स हैं वहां पर होगी कैल्सिरियस सॉइल्स के अंदर और ऐसे सॉइल्स जहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस काफी ज्यादा हाई है ठीक है अगर कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस काफी ज्यादा हाई हैं तो उन एरियाज में भी जिंक की डेफिशिय आपको देखने को मिलेगी अभी हम ना इन वन ऑफ द लेक्चर्स वो भी देखेंगे कि किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने की वजह से दूसरे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर डेफिशियंसी हो सकती है दो मिनट का छोटा सा वीडियो बना दूंगा उसको भी देख लेना मैंगनीज के ऊपर आ जाओ कैल्सेरियस सिल्ट एंड क्लेस हाई ऑर्गेनिक मैटर वहां पर आपको मैंगनीज डेफिशियंसी देखने को मिलेगी बोरॉन की बात करें तो जहाँ पर सैंडी सॉइल है जहाँ पर नैचुरली uh, आपके एसिडिक लीच सॉइल्स हैं जैसे जो लेटराइट सॉइल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है ठीक है लीचिंग भी होती है एसिडिक भी होते हैं वो सॉइल्स ओके एल्कलाइन सॉइल्स वो सॉल्टी सॉइल्स जहाँ पर फ्री लाइम का कंटेंट आपको बहुत ज्यादा मिले वहाँ पर भी बोरॉन की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी ये तीन तीन चार चार पॉइंट हैं इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के ये एज इट इज याद कर लेना बहुत आपको फायदा हो जाएगा की बात करें ऐसे जो हाईली जहाँ पर कंकरी है छोटे छोटे पत्थर है और वेल ड्रेन कैल्सरियस सॉइल्स के अंदर भी आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम ओके सो दिस इज ऑल गाइस ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी सॉइल कंडीशंस की वजह से जो जो इनकरेज होती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आएगा टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी और इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक एंड अल्टीमेटली आपको काफ़ी ये कंटेंट आप देखते रहो और छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बीच में थक गए तो 10-15 मिनट में आकर के मेरा एक वीडियो देख लो अच्छा खासा ये दस मिनट के जो वीडियो है ना दस मिनट के पंद्रह मिनट के बीस मिनट के ये इतने रिच वीडियोज़ में आपको दे रहा हूँ कंटेंट के अंदर कि अगर आपने ये कंटेंट कवर कर लिया ना तो वारे नहीं आ रहे हैं आपके ये गारंटी है ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और शेयर जरूर करना है ठीक है तो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बाकी के बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सबके साथ शेयर करना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय